आइडिया ये बन गई आंखें, थोड़ी सी हल्दी और 30,000 रुपए। आहा क्या बात। तो फिर ये अच्छा और अगर एक तो ये क्या हो रहा है? 1,000 बार भगवान का नाम लिखने से वो मिलते हैं, मम्मी ने कहा। ऐसा कहा? मम्मी ने ऐसा कहा? मेरे डैड की लास्ट विश थी पूरे फैमिली को अपने साथ वाराणसी लेके जाऊं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरे साथ चलें ताकि डैड की आत्मा को शांति मिले। आप सब चलेंगे ना? आपका परिवार भी चलता तो अच्छा लगता। हम जरूर चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ 4 दिन की बात है, प्लीज मान जाइए। आप कुछ कहिए ना। भैया चलो भी, वहाँ जाने से हमें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। काशी के टिकट पे इतना पैसा खर्च करने के बजाय किसी गरीब को खाना खिला देते हैं। भैया बेटा अपने बाप की आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। अरे 2 साल से जब बुढ़ा बिस्तर पे था उसने एक फोन नहीं किया हमें। अमेरिका में बैठा और डॉलर छाप रहा था और अब दिखावा कर रहा है। डैडी प्लीज चलते है ना, हमारा बहुत मन है, वहाँ बहुत मजा आएगा। गुरु जी सुना है काशी में भगवान की मूर्तियाँ सस्ती मिलती है, हम भी ट्रक भर के ले आते है ना। हाँ उनके लिए भजन ट्रिप, हमारे लिए बिजनेस ट्रिप। हाँ तो लगाओ फोन ट्रैवल एजेंट ने। क्या सच में जाना है भैया? अब बच्चों के आगे किसी की चलती है क्या? मुंह क्या देख रहा है, तारी चाल से चल। महान है भगवान जी। कौन है भाई? बाबा आशीर्वाद। तू कर रही, किसके पैर पड़ रही है? अरे कहाँ ले जा रही मुझे, अब मैं क्या करूँगा? आओ आओ सारे पाप धोने के लिए। साले साहब ये कहाँ ले आए? पाप का तो पता नहीं, कपड़े जरूर धुल जाएंगे। क्या कर रही है? आओ ना। नहीं मैं नहीं आऊँगा। हाँ तुम ना। ओह मुझे माफ कर दो भाई। जय माँ गंगा, जय शिव शक्ति, जय माँ गंगा। अजी भाई साहब 3 डजन खाते पीते मोटे गणेश जी पार्सल कीजिए, 2 डजन मुरली वाले की मूर्तियाँ और 12 पीसेस 6 पैक वाले हनुमान भी, रेगुलर जिम तो जाते हैं ना। 12 पीसेस टाइगर पर बैठी लेडी भी दीजिएगा, टाइगर के पैसे अलग नहीं दूंगा। अरे भाई वो दुर्गा माता है। हाँ हाँ जय माता दी। टोटल कितना हुआ? टोटल बिल 12,000। इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ तब तो आपको 6 साई बाबा कॉम्प्लीमेंट्री देने चाहिए, मेरे जैसा ग्राहक रोज थोड़ी आता है। ए भाई जरा नजदीक आओ, एक 5,000 साल पुरानी चमत्कारी शिवलिंग है, करोड़पति बना देगी। बस 1 लाख का और खर्चा है। 1 लाख का? अरे मेरे लाल मेरे पीले, मैं लोगों को टोपी बनाता हूँ, तू मुझे टोपा बना रहा? जितना तू पढ़ा है मैं भूल गया हूँ। दिए हुए एड्रेस पे माल डिलीवर कर देना। 1 लाख की शक्ल देखिए, अपने बाप को चूना लगा रहा है। भैया कुछ परंपराएं हमें निभानी ही पड़ती हैं। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। तो काशी सिर्फ मूर्तियाँ खरीदने आए हो? आप इस पर ध्यान मत दो, पूजा शुरू करो। जरूरी छे। हाँ जरूरी है। चलो। झंझटता ने खबर छे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जाओ ना। छोड़ो मुझे। खाने की बर्बादी। अच्छा राजू जी। गुरुजी वाराणसी से आई मूर्तियों को काउंटर पर सजा दिया? कल ही सजा दिया है। सब मूर्तियों से प्राइस टैग निकाल देना। हाँ। उन पर खाली स्टिकर चिपकाना, प्राइस लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों गुरुजी? शकल देख के तिलक लगाएंगे। हाँ। नहीं, 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 नहीं। माफ कीजिएगा ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, ये स्वयंभू है।
हजार साल पहले धरती से प्रकट हुई थी। स्वयंभू चमत्कारी कृष्णा बद्रीनाथ में प्रकट हुए थे। ओहो, 3 साल पहले मेरा धंधा मंदा चल रहा था। मैं अपने मन की शांति के लिए मानसरोवर गया। लो शुगर की वजह से एक साधु चक्कर खाकर गिर गया। मैंने उसे घर की बनी मिठाई खिलाई और फिर स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुझे आशीर्वाद के रूप में मूर्ति दी और उस दिन से मेरी लाइफ की काया पलट हो गई। पहले मैंने शोरूम खरीदा, उसके बाद 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा विद अटैच बाथरूम। ये सब इन्हीं कृष्ण कन्हैया की लीला है। मारो वालो कानड़ो, जय हो। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता, आप चाहे तो 50% डिस्काउंट में कुछ और ले लीजिए। मुझे ये स्वयंभू ही चाहिए। मेरी 3 बीवियां हैं और 21 बच्चे हैं। क्रिकेट के सट्टे में 50 करोड़ रुपए गंवा चुका हूँ। तो राजस्थान का बकरा है। 100% फक्कड़ हूँ। आपसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। आप मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी, असल मैटर कुछ और है। उस साधु ने कहा था कि राजस्थान से एक साईं भक्त यहाँ आएगा और उसने ये भी कहा कि ये मूर्ति मैं उसे ही दूं। अब बताइए मैं आपको कैसे दे दूं? अरे भाया, मैं ही हूँ राजस्थान वाला। देखो राजस्थान का रजिस्ट्रेशन है, सबका मालिक एक। अरे भाया, मैं ही हूँ साईं बाबा का परम भक्त भंवरलाल। भंवरलाल, तुम ही हो वो भंवरलाल? मैं ही हूँ भंवरलाल, राजस्थान से। हाँ। वो गाड़ी? हाँ। वो बाबा भक्त? हाँ। अरे राजू, यही है वो बाबा भक्त, देखा? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वही शेरडी बाबा भक्त और वही राजस्थान की गाड़ी। हे कन्हैया, यू आर ग्रेट। भंवरलाल जी, ये लीजिए, ये आपकी हुई। मेरा नंदलाला, मदन गोपाला, मेरा नंदलाला, आओ मेरे नंदलाला। सिर्फ 100 का नोट रखा। अरे राजू, हमें पैसे नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास है, कृष्ण ने बहुत दिया है। याद है ना, उस दिन मैंने साधु को अपना पूरा गोल्ड उतार कर दे दिया था, तभी तो 100 गुना फल मिला है। अब सेठ जी की डिमांड छोटी है, 100 के बदले 200-300 मिल जाएगा। अरे आपने क्या बात कर दी, मैं भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बस ये देखिए, ये चेन ले लीजिए, ये अंगूठियां लीजिए, मेरे पास बहुत सोना है, ले लीजिए। अरे सब कुछ कुर्बान है, 80 घर निकलिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और 3 बच्चे और पैदा करूंगा। एक नंबर का कंजूस था, 500 रुपए की मूर्ति के 1 लाख रुपए निकलवाए मैंने। अब ये है 1500 साल पुरानी मूर्ति, जय कन्हैया लाल की। अग्नि कुंड पर चलने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। औरतें और बच्चे भी इसी उम्मीद में आए हैं कि अग्नि पर चलने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम इन दृश्यों का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देख रहा राजू, जाके तू भी ट्राई कर ले, शायद तेरे कष्ट भी दूर हो जाए। ये कहां से प्रकट हुई? मथुरा, वंस अपॉन अ टाइम वृंदावन। अरे बाप रे, मीनाक्षी वहां क्या कर रही है? भाभी भी वहां पुण्य कमाने के लिए गई हैं। अभी आपने जो पाप किया है उसे बैलेंस करने। चुप कर गांडिया, एक धुआं घुमा के चल, दुकान बंद करा जा। गोपाल भाई, क्या बात है असलम भाई? आप जरा मेरी दुकान का ख्याल 1 महीने के लिए रख लेंगे? क्यों, कहीं बाहर जा रहे हो? कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, सोचा मक्का जाकर अल्लाह से मैं दुआ मांगू। असलम भाई, अल्लाह से यही दुआ मांग लो ना, और हज के उन्हीं पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत क्यों नहीं करवा लेते? ठीक, ये रखिए रखिए रखिए, इन पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत करवा लीजिए। हैप्पी जर्नी। भक्तजनों, उस भगवान ने इस भगवान को पृथ्वी लोक पर आपके लिए भेजा है। स्वयं परमेश्वर रात को मेरे सपने में आए और मुझसे कहा, मेरे सभी भक्तों को मोक्ष की ओर जाने का रास्ता दिखाओ। ये देखिए, सालों की तपस्या से मैंने बनाया है ये मोक्ष का द्वार। जो इस अग्नि पर चलकर उसे पार करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। सब आपकी कृपा है, कल्याण हो वत्स। अगर जीत गया तो बैंकॉक चलेंगे। जय 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 सिद्ध गुरु। तू यहाँ रुक। जय 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 जय, आप ही आत्मा, आप परमात्मा। जय 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 सिद्ध गुरु। जय 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 सिद्ध। मीनाक्षी, मोक्ष। सुनो, बेड़ा पार लगा गुरु, महिमा है धासु गुरु, महिमा है धासु। आगो जा। जय 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 शांत गुरु, सिद्ध गुरु, शांत हो जाइए। सिद्ध गुरु, शांत हो जाइए। सिद्ध गुरु, चुप रे खा, शांत हो जाइए। सिद्धेश्वर महाराज ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है। मैंने कौन सा संदेश भिजवाया है? प्रिय भक्त जनों, सिद्धेश्वर महाराज के हैप्पी बर्थडे पर कृष्णा उसे सेलिब्रेट करने धरती पर उतरे। केक की बजाय उन्होंने माखन खाने की इच्छा व्यक्त की।
जिस तरह कृष्णा बचपन में मक्खन चुराते थे, सिद्धेश्वर महाराज कभी मंदिरों से चप्पल और दान पेटी से पैसे चुराते थे। आज जो कृष्णा को मक्खन खिलाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, कुमारों की शादी हो जाएगी, डफर स्टूडेंट भी एग्जाम में टॉप करेंगे। टूट पड़िए, मुक्ति पाने का ये लास्ट चांस है। एक घंटे बाद कृष्णा की फ्लाइट है। चलिए चलिए, जल्दी घर भागिए, कहीं देर न हो जाए। भक्तजनों, देरी से मक्खन खरीदना मत भूलना। भक्तजनों, 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 वापस आओ भक्तजनों, जल्दी से घर जाइए, देर न हो जाए। अरे रुको रुको, बिना मेरे आदेश के कहाँ जा रहे हो? इसके कहने पे मत जाओ, वापस आओ। देखा आपने, महाराज खुद आपको जाने के लिए कह रहे हैं, जल्दी जाइए, मौका हाथ से ना निकल जाए। किसी मूर्ख की बातों में आके तुम अपने बेटे को आग पे चलाने आ गई? तारू मगज तो ठिकाने चे, चल। अरे ए, पापी रुक जा। भगवान को रुष्ट करने का अर्थ जानता है? मुझ जैसे आदमी को नाराज करने का अर्थ जानता है? ये गुस्सा अपने उन बेवकूफ भक्तों पर दिखाना। अरे मूर्ख प्राणी, मानव कल्याण के कार्यों में इस प्रकार विघ्न डालना एक घोर पाप है। सृष्टि के सृजनहार ने बनाई परंपराओं का अपमान करने का अर्थ है अपना सर्वनाश करवाना। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मम्मी। तूने भगवान के रूटीन को डिस्टर्ब किया है, अब वो तेरी लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। अब ये निश्चित है, देख लेना तेरा विनाश होगा। उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये तो सिर्फ एक झलक है। धमकी पूरी होगी तेरी, अब केले खा और आराम से सो जा, बारिश आने वाली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब इस नास्तिक के दुष्कर्मों का परिणाम है। बहुत जल्द इसके जीवन में महाप्रलय आएगा।